स्थानीय मिर्जापुर में गिरिजी स्टैंड के पास वर्तिका कलेक्शन का शुभारंभ हुआ। वर्तिका कलेक्शन का शुभारंभ 4 साल की नन्ही बच्ची वर्तिका ठाकुर ने सुनील शर्मा, सुरुचि ठाकुर, अनुराग ठाकुर, सुरपन कुमार शर्मा, विजय शर्मा, खुशबू शर्मा के साथ फीता काटकर की। मौके पर रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के चार्टर्ड प्रेसिडेंट प्रकाश कुमार भी मौजूद थे। वहीं वर्तिका कलेक्शन के प्रोप्राइटर रोटेरियन सुरुचि ठाकुर ने बताया कि वर्तिका कलेक्शन में सभी वर्ग के लोग के लिए पोशाक उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो दरभंगा में बहुत सारे बुटीक हैं, पर वर्तिका कलेक्शन में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी बुटीक कलेक्शन उपलब्ध है। ज़्यादातर बुटीक में देखा जाता है कि रेंज वाइज बहुत ज़्यादा कीमत हो जाने की वजह से सिर्फ अपर मध्यम वर्ग परिवार ही बुटीक में जा पाते हैं। वर्तिका कलेक्शन में बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये एक लेडीज लोग के सभी डिपार्टमेंट के सारे चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। ये एक छोटा बुटीक है जिसमें सिलाई की सुविधाएं भी है। एवरी प्रकार की सामान जैसे ज्वेलरी, बैग, साड़ी, शॉल, जैकेट, आपको हर प्रकार की साड़ी डिफरेंट मिनी से लेकर हाई रेंज एवरी कलेक्शन आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पे एक से एक डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने की भी सुविधा उपलब्ध है। सबसे मैंने में खास ये है कि आपको ये कलेक्शन तो हो सकता है मेरे जैसा आपको अनदर में मिले, पर प्राइस जो मैंने रखा है वो आपको मार्केट में मेरे अलावा कोई भी नहीं देगा। सबसे अच्छे प्राइस पे और लो प्राइस पे मैं आपको हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो साड़ी हो, ज्वेलरी हो, एवरीथिंग वो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। और हर महीने आपको एक ही वैरायटी नहीं, नए से नए वैरायटीज ला करके आपका मनोरंजन और आपके एक से एक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करती रहूंगी। ये हमारे वर्तिका कलेक्शन एक संस्था हमने बनाया है जो हमारी मिसेज इसमें सुरुचि ठाकुर प्रोपराइटर हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले फैशन डिजाइनिंग की हुई है। उनका बहुत मन था कि शहर में लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी सब रेंज का कपड़ा हम रखें और सस्ता से सस्ता पूरे मोहल्ले वाले को अवेलेबल कराएं, साथ में सिलाई मशीन या सिलाई का जो भी काम है वो सारा वो अवेलेबल कराएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये एक अच्छा काम है, समाज सेवा से भी जुड़े रहेंगे। तो हमने आज उसका उद्घाटन किया है वर्तिका कलेक्शन के नाम से। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के लिए गौरव झा की रिपोर्ट।